हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहां पर डिस्कशन करेंगे अबाउट द रेक्टिफायर। तो अब आज यहां पर जो है हम ब्रिज रेक्टिफायर की बात करेंगे, जो कि फुल वेव रेक्टिफायर होता है। तो यहां पर लिखा है ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, इसको हम शॉर्ट में ब्रिज रेक्टिफायर भी बोलते हैं, जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है। फुल वेव रेक्टिफायर मीन्स है कि आउटपुट पर वोल्टेज पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिलेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट पर वोल्टेज मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में भी सिग्नल मिलता है और नेगेटिव साइकिल में भी सिग्नल मिलता है आउटपुट पर, और वो डीसी होता है, बेसिकली वो पल्सेटिंग डीसी होता है। वो कैसे होता है वही हमें समझना है कि ये कैसे होता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर में क्या क्या लगा होता है। ब्रिज रेक्टिफायर रिक्वायर्स 4 डायोड्स, 4 डायोड की रिक्वायरमेंट होगी, और सिंपल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होगी। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है? ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी सिग्नल इनपुट में होता है इसमें, और एसी ही सिग्नल आउटपुट में होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे पहचानेंगे? इन प्राइमरी बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्म्स हमने यहाँ पर 5 बनाए हैं। देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे ही बनाएंगे ताकि ये सर्किल बने। इस तरह से नहीं बनाना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं। ये जो है ये नहीं है सिंबल, सही क्लियर है, ये गलत हो जाएगा। इसको ऐसे बनाना है, इनपुट साइड में ये सर्किल बनना चाहिए घुमा के, ये सर्किल, और इधर पर नंबर ऑफ टर्म्स कम होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, स्टेप डाउन है, यहाँ पर कम होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब जितनी बार ये राउंड हो रहा है। तो ये ट्रांसफार्मर ऐसे बनाया जाना चाहिए। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 909 मीन्स यहाँ पर 220 वोल्ट आएगा एसी का, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होगी जो इंडिया में चलती है, और एसी कहलाएगा। यहाँ पर भी एसी ही देगा, यहाँ पर भी एसी ही वोल्टेज मिलेगा, लेकिन आउटपुट वोल्टेज कहाँ मेजर करेंगे? यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है, ये रजिस्टर है आर एल। ये आर एल जो लगा हुआ है इसी में हमें आउटपुट वोल्टेज मेजर करना होगा। इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा है, 4 डायोड लगे, हमने बताया था 1 2 3 4। तो ये डायोड के नाम रखने होंगे, ध्यान समझिएगा, बनाते समय दोनों डायोड इधर से इधर को होने चाहिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में, इधर एनोड इधर कैथोड, इधर वाले दोनों डायोड इधर एनोड इधर कैथोड होना चाहिए। ये तो यहाँ पर जो डायोड है, इन डायोड के नाम रखना है, नाम बहुत सोच समझ के रखेंगे। करंट यदि यहाँ से आती तो यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगी इसमें, तो इसका नाम रखना है हमें D1, इसका नाम रखना है D2, ध्यान रखिएगा, इसका नाम रखना है फिर D3, क्योंकि करंट जब इधर से आएगी तो इसमें जाएगी पहले, फिर ऐसे जाएगी, यहाँ पर रखना D4। तो पहली बात तो हमने ये सीखा है कि D1 D2 D3 D4। इसको ब्रिज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फोर जो है आर्म होती है इसमें। व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा करते थे हम, हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा व्हीट स्टोन ब्रिज, तो उसमें 4 जो है रजिस्टर या इंडक्टर कैपेसिटर जो भी लगते थे, 4 आर्म्स होती थी, 1 2 3 4, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ये फुल वेव रेक्टिफायर होता है, क्लियर है। ये तो हो गया आपका सर्किट डायग्राम। इनपुट ऐसा देंगे तो इस आरएल में जो वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पर वोल्टेज कैसा मिलेगा ये पता करना बी नॉट, क्लियर है। ये बी नॉट की वैल्यू पता करना है, उसी से वेव फॉर्म खींचेगी। सबसे पहले आते हैं इसकी वर्किंग में। वर्किंग इसकी जो होगी 2 केस में होगी, केस 1 और केस 2, केस 1 और केस 2। केस 1 किसे बोलेंगे? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल हो तो प्लस और बी ई लिख दें तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव, क्लियर है। और ए लिखा है माइनस, माइनस बी लिख दे तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पर 2 केस हैं, केस 1 ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब है जब इनपुट का 0 to π ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, ये एसी सिग्नल है, तो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तब क्या होगा इसको समझना है हमें। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, इस चीज का ध्यान दें। पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ध्यान रखिए यहाँ पर, जब यहाँ प्लस होगा तो करंट इधर से ऐसे ऐसे घूमने की संभावना, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से सप्लाई के, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलती है, इधर से करंट इधर जानी है,
इधर जाएगी, इधर जाएगी, इस जंक्शन पर जब आएगी तो किधर जाएगी, इधर। ये वाला डायोड तो रिवर्स में हो गया, ये डायोड कैसे हो गया, इसका ये वाला टर्मिनल होता है पी, जो ट्राइंगल बना है, और जो लाइन होती है एन, ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, और इधर से आए तो इधर नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, इसलिए ये डायोड किस में हो गया, ए डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस में, क्लियर है। और इस डायोड की बात कर लें अगर, तो यहां पर है एन एन और यहां पर है पी, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है यहां से देखें तो, और यहां से देखें इधर से होते हुए तो पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट रिवर्स बायस। ए वाला क्या है, ए वाला पी है, ए वाला एन है, ए पी है, ए एन है, ए पी है, ए एन है, तो ए डायोड जो है ये नेगेटिव है इस टाइम, तो ये रिवर्स बायस में हो गया, और ए वाला नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, पॉजिटिव इधर से पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसलिए डी टू जो है फॉरवर्ड बायस में हो गया। कुल मिला के यहाँ पर डायोड डी वन एंड डी टू फॉरवर्ड बायस में है, और डी थ्री एंड डी फोर रिवर्स बायस में है, क्लियर है। यहाँ पर ध्यान देना है, तो यहाँ पर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें करना है, तो यहाँ पर हमें यही लिखना है कि D1 और D2 क्या करेंगे, D1 एंड D2 क्या होंगे, हमने लिखा है यहाँ पर इक्वल टू फॉरवर्ड बायस, D1 एंड D2 कैसे होंगे, फॉरवर्ड बायस होंगे, क्लियर है। फॉरवर्ड बायस को ही हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटेड लिखा है, और या उसी को बोलते हैं जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो ऑन हो जाता है। फॉरवर्ड बायस आइडियल डायोड की बात है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, उसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, या कहते हैं डायोड ऑन हो गया, क्लियर है। तो डायोड डी वन फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, और डायोड डी थ्री और डी फोर किस में हो गए हैं, डायोड डी थ्री एंड डी फोर क्या हो गए हैं, रिवर्स बायस हो गए। रिवर्स बायस का मतलब ओपन सर्किटेड, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा या ऑफ हो गया डायोड, इसको ऑन बोलते हैं, इसको ऑफ बोलते हैं, और फॉरवर्ड बायस को बोलते हैं शॉर्ट सर्किटेड, और रिवर्स बायस को बोलते हैं ओपन सर्किटेड, क्लियर है। तो चारों डायोड की बात हो गई यहाँ पर। अब इस सर्किट में हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, यहाँ पर इस सर्किट का हमने ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें हम, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी कब से कब तक की बात है, इस साइकिल की बात है, जीरो टू पाई, जीरो टू पाई हमने यहाँ लिख लिया, ये टी है, यहाँ पर बी आई है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, इसका यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, जब यहाँ प्लस माइनस होगा तो यहाँ प्लस माइनस होगा, क्लियर है। ये बाइंडिंग ध्यान रखना, यहाँ पर ज्यादा बनानी है, यहाँ कम बनानी है, यहाँ आठ बना रहे तो यहाँ पर सात करो भले ही, चाहे छह कर दो, पांच कर दो, चार कर दो, यहाँ पर हमने यहाँ पर बनाई है फाइव टाइम्स खिलाए हैं, यहाँ पर थ्री, क्लियर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर 909, आप यहाँ पर करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगी, इधर जाएगी करंट, फिर ए वाला डायोड डी वन क्या करेगा, यहाँ देखिए डायोड डी वन, इससे लिखें हम डायोड डी वन, डी वन डी टू यहाँ है, डी थ्री यहाँ है, और डी फोर यहाँ है। डी वन क्या हो गया भाई, डी वन अभी हमने बताया था, डी वन और डी टू क्या हो गए, फॉरवर्ड बायस मतलब, और फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या हो गए हैं, दोनों शॉर्ट सर्किटेड हो गए हैं। यहाँ पर जो डायोड D1 लगा था, ये वाला डायोड ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। डायोड D2 क्या करेगा, D2 भी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो हमने इसको यहाँ से बना दिया। डायोड D3 और D4 क्या करेगा, ओपन सर्किटेड हो गए। तो अभी हमने ऐसा बनाया था, सही कहें तो हम इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, इसको यहाँ से हम ऐसे हटा भी सकते हैं सिंपल करने के लिए। अगर आपको जब समझ में आ जाएगा तो आपको सिर्फ इतना ही बनाना है, इसमें करंट कितनी आएगी, करंट यहाँ से जाएगी, कहाँ जा रही है करंट, लोड रजिस्टर आरएल में जा रही है, लोड रजिस्टर आरएल था ये, आरएल में जा रही है, और आरएल में करंट इधर से आई, ऐसे आई, इधर से इधर, इधर गई करंट, इस करंट का नाम क्या होगा, आईएल। तो यहाँ पर करंट आएगी, इधर से इधर आ रही है, तो इसलिए यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ माइनस बनेगा। आई एल इंटू आर एल करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा बी एल या बी नॉट, आउटपुट वोल्टेज यही है। करंट यहाँ से ऐसे आएगी, इधर जाएगी, और इधर से ऐसे जाएगी, और इधर से ऐसे आएगी, और इधर से ऐसे चली जाएगी, लूप पूरा हो जाएगा। इसका इसका नाम आई एल कर लो, इसका भी नाम, क्योंकि लोड रजिस्टर में करंट फ्लो हो रही है, इसलिए आई एल होगा। मीन्स यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आई एल करंट फ्लो
करंट आई एल फ्लो इन आर एल, तो बी नॉट इक्वल टू आई एल इंटू आर एल हो गया, बी नॉट इक्वल टू आई एल इंटू आर एल हमने लिख दिया है। ये तो हो गई फॉरवर्ड बायस की बात, मीन्स दो डायोड ऑन हो गए, दो ओपन हो गए, क्लियर है। तो इसको बनाया ही नहीं हमने, इसको जब ओपन हो सर्किट करना है तो इसको हमने हटा दिया है, समझने के लिए बनाया था। अब आते हैं सेकेंड केस में, कब? ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल की मतलब है जब इनपुट साइकिल जो आएगी, कौन सी? नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल मीन्स पाई टू टू पाई, तो हमने इसको यहाँ पर बना के रखा होगा है पाई टू टू पाई, कौन सी साइकिल है? नेगेटिव साइकिल, क्लियर है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या बनेगा? माइनस, यहाँ क्या बनेगा? प्लस, क्लियर है। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पर निश्चित तौर पर यहाँ पर माइनस बनेगा और यहाँ पर प्लस बनेगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, मतलब अल्टरनेटिव करंट प्लस माइनस ऊपर नीचे इधर उधर चेंज होती रहती है, इधर प्लस यहाँ माइनस, इधर माइनस यहाँ प्लस होता रहता है हर एक साइकिल में, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर ए वाला डायोड क्या हो गया, डायोड डी वन क्या हो गया? नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, इधर से देखा तो नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट, डायोड डी वन रिवर्स बायस। और डायोड डी टू को देखें तो डायोड डी टू नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट, इसलिए डायोड डी टू रिवर्स बायस। तो हम कहें तो डी वन और डी टू क्या हो गए हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या के सेकंड में, डी वन एंड नहीं, डी वन एंड डी टू रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब ओपन सर्किटेड, सॉरी रिवर्स बायस, रिवर्स बायस का मतलब क्या होगा, इसको हम बदल लेते हैं, फॉरवर्ड बायस ओपन सर्किट है, इसको कर लेते हैं रिवर्स बायस, इसको बदलना होगा, एक को किसी को बदलना होगा हमें। ये शॉर्ट सर्किटेड लिखा हुआ है, ये ऑन लिखा हुआ है, शॉर्ट सर्किटेड लिखा हुआ, ऑन लिखा हुआ है, तो इसको करना है हमें क्या? फॉरवर्ड बायस। और इसको क्या करना है हमें? इसको करना है ओपन सर्किटेड, ऑफ हो गया तो इसको कर दो रिवर्स बायस, क्लियर है। तो डायोड डी वन एंड डी टू रिवर्स बायस हो गया है, डायोड डी वन एंड डी टू क्या हो गए हैं? रिवर्स बायस। और डी थ्री एंड डी फोर क्या हो जाएंगे? डी थ्री एंड डी फोर क्या हो जाएंगे? फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। ध्यान रखिए डी थ्री डी फोर कैसे? पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, इधर से जाएं तो नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, इसका पॉजिटिव कहाँ है? पॉजिटिव इधर से आए, इधर से पॉजिटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है। तो डायोड डी थ्री और डी फोर दोनों फॉरवर्ड बायस में है, तो यहाँ लिखा डायोड डी थ्री एंड डी फोर फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का मतलब ऑन हो गए हैं, क्लियर है। और डी वन एंड डी टू क्या हो गए हैं? ये दोनों हो गए हैं रिवर्स बायस में। अब यहाँ पर सर्किट वही बनाना है, कब की बात है? जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ रही थी, तो हमने यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल बना ली, जैसे यहाँ ऊपर बनाया था ये वाला, बनाया था ऊपर और ये वाला, अब नेगेटिव की बात है तो हमने नीचे बनाया, इसको देखिए। तब यहाँ क्या हो जाएगा? जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा निश्चित तौर पर बी आई जो आ रहा है, यहाँ पर होगा माइनस, यहाँ प्लस होगा, यहाँ क्या होगा? यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, क्लियर है। तो डायोड डी वन क्या होगा? डायोड यहाँ पर देखिए, यहाँ डायोड लिख दें हम सबके नाम, यहाँ पर डी वन था, यहाँ डी टू था, यहाँ डी थ्री था, यहाँ से और यहाँ पर डी फोर था। डी वन एंड डी टू क्या हो गए हैं? क्या पता है? डी वन एंड डी टू रिवर्स बायस ओपन सर्किट या डायोड ऑफ हो गए, क्लियर है। तो ये ऑफ हो गए, ओपन सर्किट रहेंगे, और डी थ्री एंड डी फोर फॉरवर्ड बायस हो गए, शॉर्ट सर्किटेड हो गया या ऑन हो गए। तो इसको क्या करते हैं हम? डी थ्री और डी फोर शॉर्ट सर्किटेड हो गए, ऑन हो गए मतलब ये शॉर्ट सर्किटेड हो गए, इसको ऐसे कर दिया, इसको कैसे कर दिया हमने? ऐसे कर दिया। और डायोड डी वन ऑफ हो गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे? ध्यान रखिए, अभी आर एल और जोड़ने हैं यहाँ पर, यहाँ पर रजिस्टर जैसा ये लगा था आर एल, इसको यहाँ जोड़ना है इस पॉइंट के बीच में, ऐसे ये हो गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आर एल, आर एल। अब यहाँ पर जो डायोड ऑन हुए हैं, करंट इसमें कहाँ से जाएगी? देखिए डी वन और डी टू क्या है? ऑफ हो गए हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम बनाए ही ना, हटा दें, ठीक है। जब समझ में आ जाएगा तो आपको ऐसा ही बनाना है एग्जाम में, फाइनली जो अब बनाया है वो तो हमने समझाने के लिए बना के रखा था। ए इसको सीधे खींचते हैं तो सीधा रजिस्टर बचेगा, जितना वोल्टेज यहाँ से आएगा बी एस की वैल्यू जो भी आएगी वही यहाँ जाएगी,
पूरा का पूरा वोल्टेज 100% वोल्टेज इसी रजिस्टर में ड्रॉप होना है, क्योंकि डायोड आइडियल हम कंसीडर कर रहे हैं अभी। तो डायोड डी पर इसमें करंट कौन सी जाएगी भाई, करंट बता दो। करंट प्लस टर्मिनल से फ्लो होती तो इधर से इधर जाएगी। कौन सी करंट की लोड में जा रही है, इसलिए आईएल नाम रख लो। इधर से इधर गई, इधर से कहाँ जाएगी करंट, इधर आएगी आईएल। तो इधर क्या बनेगा, इधर प्लस बनेगा, इधर माइनस बनेगा। इधर जाएगी करंट आईएल, इधर और इधर से इधर निकल के लूप पूरा हो गया, आईएल निकल गई। तो इस वोल्टेज, इस रजिस्टर में वोल्टेज कितना आएगा, वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू ध्यान रखिए, इसमें और इसमें दोनों में करंट की डायरेक्शन रजिस्टर में इधर से इधर है, इसमें भी इधर से इधर जा रही है, इसमें भी इधर से इधर जा रही है, मतलब सेम फेज में आ रही है। ये वाली तो आ रही थी सेम फेज में, ऊपर का ऊपर ही आ रहा, तो इसमें भी ऐसा ही आ रहा, क्योंकि लोड में रजिस्टर वही है। तो जब पहले ही इनपुट साइकिल नेगेटिव आए, लेकिन लोड में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है इसमें, इधर से इधर करंट चली जाती तो वो नीचे बनती वेवफॉर्म यहां बनाते समय। यहाँ लिखा है करंट आई एल विल बी फ्लो इन आर एल, आर एल में आई एल करंट फ्लो हो रही है, तो बी नॉट इक्वल टू आई एल इंटू आर एल। यही चीज जो यहाँ है वही यहाँ है। फाइनल आउटपुट वेव फॉर्म बनाना है हमें। फाइनल आउटपुट वेव फॉर्म कैसे बनेगी, जो इनपुट यहाँ दिया था हमने बी आई लिया, यहाँ पर बी नॉट लिया है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही थी तब क्या था भाई, कैसे बननी थी वेव फॉर्म, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही थी तो कैसे बननी थी आपकी वेव फॉर्म, जो है बी नॉट इक्वल टू आई एल इंटू आर एल, पूरा वोल्टेज बनना है जैसा था। ये वेव फॉर्म कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, क्लियर है। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो कैसी बनेगी, ये भी ऊपर ही बनेगी। क्यों बनेगी ये ऊपर ही बताना होगा, क्योंकि लोड में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, जैसा इसमें जा रही थी करंट ऐसे ही इसमें जा रही है, इसलिए भले ही ये नेगेटिव हाफ साइकिल, लेकिन लोड में आउटपुट में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, इसलिए यहां पर ऊपर थी तो यहां पर भी ऊपर ही रहेगी, यहां पर भी ऊपर ही रहेगी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें लिखना है डी वन एंड डी टू क्या ऑन, डी वन एंड डी टू ऑन। इसमें डी वन और डी टू ऑन हुए थे, और इसमें क्या होगा, डी टू एंड डी थ्री ऑन, डी थ्री डी वन डी टू और डी थ्री ऑन, डी थ्री एंड डी फोर सॉरी डी वन एंड डी टू, उसमें इसमें डी थ्री एंड डी फोर ऑन हुए थे। बस यहाँ पर डी वन डी टू ऑन हुए, यहाँ पर डी थ्री और डी फोर ऑन हुए, इतना सा अंतर है। तो ये पूरा कैलकुलेशन हो गया है पूरा, इसमें थ्योरी कहीं लिखने की जरूरत नहीं, जो सेंटेंस लिखते हैं हम इसकी वर्किंग में, सिर्फ इतना लिखिए और ये बनाइए, खत्म। एग्जाम में आता है 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, तो इतना ही मटेरियल है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर है। अगर थ्योरी पूछता, वर्किंग पूछता है, ड्रॉ द नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद आउटपुट वेव फॉर्म, तो आउटपुट वेव फॉर्म ए बनी है बी नॉट, फाइनल आउटपुट वेव फॉर्म ने लिखा है ए बन गई है, क्लियर है। तो ये तो हो गई है इसकी सिंपल, बहुत सिंपल वर्किंग यहाँ पर, और इसकी वेव फॉर्म बन गई है। ये हमने जो समझाया सिर्फ एक साइकिल के लिए समझाया है, जैसा इस पॉजिटिव एक साइकिल में होगा वैसा ही ये तो कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे चलती रहेगी, बहुत सारी साइकिल आती है, एक सेकंड में 50 बार ऐसे आती है इंडिया की फ्रिक्वेंसी में, तो यहाँ पर भी 50 टाइम्स आएगी। तो हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर जैसा ये आ रहा था ऐसे हो सकता फिर से आए, थोड़ी और डिटेल बता दें, ऐसे 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 आएगा, यदि ऐसे आती रहेगी तो चलती रहेगी ना कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, इसे डॉट डॉट डाल लेते हैं, इससे इसका डॉट डॉट यहाँ डाल लेते हैं, इसका डॉट डॉट यहाँ डाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वेव फॉर्म कैसी बनेगी, चाहे कोई भी साइकिल आए यहाँ पर क्या होगा, ऊपर ही ऊपर बनना है हर बार। मतलब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर डी वन एंड डी टू ऑन होगा, यहाँ पर डी थ्री और डी फोर ऑन होगा, डी फोर ऑन होगा, यहाँ पर डी वन एंड डी टू ऑन होगा, कौन से पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में डी थ्री और डी फोर ऑन हो रहा है। यहाँ पर ऑन लिखना चाहो लिख लो, ये तो समझा दिया, ऑन ऑन। अब आपको एग्जाम में सिर्फ एक साइकिल बना देना है, अगर एक साइकिल बना दोगे तब भी मार्क्स मिलेंगे, तो मल्टी वाला जो हमने अभी बढ़ाया है ये समझने के लिए बढ़ाया क्या होता है,
ये कंटिन्यूसली आता रहेगा, 24 घंटे चलता रहेगा, 24 घंटे की वेव फॉर्म आती रहेगी। ये वेव फॉर्म अब कौन सी वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म जो बनी है इस वेव फॉर्म का नाम क्या है, इसका नाम है क्या, डीसी है। डीसी तो है क्योंकि जीरो से नीचे अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं जा रही, इसलिए डीसी है। लेकिन ये प्योर डीसी नहीं है, ये जो है पल्स की तरह आ रही है, पल्स की तरह आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं कौन सी डीसी, पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं इसको। पल्स की तरह आती है, पल्सेटिंग डीसी। ऐसी तो हाफ वेव उसके सॉरी ऐसी तो जो आ रही है आपकी सेंटर टेप रेक्टिफायर में भी, इसमें भी वेव फॉर्म सेम है लेकिन बहुत अंतर है दोनों। वो कैसे पता लगेगा, वेव फॉर्म तो सेम है, इसमें 4 डायोड क्यों लगाने की जरूरत पड़ी, उसमें तो 2 डायोड में ही काम चल रहा था। लेकिन इससे फायदा ये होगा कि इसका एक टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो ए बी एस आ रहा है, क्वेश्चन उठता है ये क्या है। देखिए सिंपल वर्किंग जो आती है इतनी हो गई है वर्किंग, इसमें कोई सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आता सिर्फ इतना बनाइए आप, इतना लिखिए इतना, और खास तौर से कितना, जितना रेड पेन से लिखा है वो तो हमने समझाने के लिए लिखा है, बाकी जो लिखा हुआ था पहले से वो सर्किट बनाइए। पीएन जो हमने ये लिखा है ये कोई जरूरी नहीं है लिखना, ठीक है ना, ये साफ सुथरा रखेंगे डायग्राम को, ये नहीं लिखेंगे तब भी काम चलेगा ये वाला, ये तो समझने के लिए, जब आपको समझ में आ जाएगा तो ये सब खत्म, ये सीधे ही आएगा, ये इस बिल्कुल याद हो जाएगा, फिर तो समझो D1 D2 फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, और इसको ये बनाया आपने, ये निकला और ये वेव फॉर्म बन गई, इसके ऐसे इसका बनाया इसकी वेव फॉर्म बन गई। अब इसके बाद क्या है, ये हमने जो सिंपल डायग्राम है, सिंपल वर्किंग है जो है ब्रिज रेक्टिफायर की, अब इसमें क्या आता है, इसी में मैथमेटिकल डेरिवेशन हुआ करते हैं कुछ, क्लियर है, या नहीं होते हैं तो सिंपल पूछ लिया जाता है कंपटीशन में, एग्जाम में, इंटरव्यू में, और ये डेरिवेशन करने के लिए आते हैं। तो जिसके सिलेबस में ये हो डेरिवेशन वो ये पढ़ा नहीं, तो उसकी सिंपल वर्किंग हो जिसके में वो इतना ही पढ़ा। ये डेरिवेशन का क्या है इसको बता देते हैं, इसमें क्या है, आई एल लोड में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू है, आई एल इक्वल टू बी एस अपॉन आर एल। बी एस क्या है, जो यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है ये बी एस है, सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पर जो आउटपुट में वोल्टेज आ रहा है ये है बी एस सप्लाई वोल्टेज, ये तो 220 वोल्ट है, ये 9 वोल्ट है, स्टेप डाउन हो गया ना। लेकिन एसी है, ट्रांसफॉर्मर इनपुट और आउटपुट दोनों में एसी होती है, लेकिन जब यहाँ आई तो ये डीसी बन गई, कौन सी डीसी, पल्सेटिंग डीसी, क्लियर है। तो ये जो है आपका, इसमें आई एल इक्वल टू, आई एल क्या है, बी एस अपॉन आई इक्वल टू बी अपॉन आर, आई एल निकालना है अगर आपको, लोड में करंट आई इक्वल टू बी अपॉन आर, बी एस अपॉन आर, बी एल क्या, बी एस के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि जितना वोल्टेज आ रहा था पूरा का पूरा 100% वोल्टेज रजिस्टर में ड्रॉप हो रहा था। बी एल इक्वल टू बी एल बोलेंगे उसी को, आई एल आर एल है तो बी एल बोल सकते हो, वही बी नॉट है, बी एस है। आई डी सी कितना है, डी सी करंट कितनी है, अगर इसकी डी सी करंट निकालेंगे तो बी डी सी और 2 IM अपॉन पाई बनेगा, क्योंकि एक साइकिल में दो बार पीक पर जा रहा है, 2 IM अपॉन पाई, इसका डेरिवेशन होते हैं सबके। बी डी सी आई डी सी है तो बी डी सी क्या है, बी इक्वल टू आई इंटू आर, आई डी सी इंटू आर एल, तो आई डी सी की वैल्यू 2 IM अपॉन आर, 2 IM अपॉन पाई इंटू आर एल होगा, आर एल का मल्टी, आई आर एम एस IM बाई रूट 2, BRM मतलब BM बाई रूट 2, ये जो है सभी फॉर्मूले। PDC, P क्या होता है, P इक्वल टू बी इंटू आई होता है, या P इक्वल टू क्या होता है, B की वैल्यू रख तो B इक्वल टू आई इंटू आई स्क्वायर अपॉन आर हो गया, आई स्क्वायर इंटू आर, और इसके बाद तीसरा क्या बन जाता, P इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू बी अपॉन आर, दो बी स्क्वायर अपॉन आर बन जाता है। तो ये फॉर्मूला है, इसमें कौन सा लिखा है, ये डीसी है तो ये यहाँ पर लगेगा आई स्क्वायर इंटू आर, तो पावर है, पावर पी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, पी डीसी है तो आई डीसी का स्क्वायर इंटू आर एल, आई डीसी कहाँ है, आई डीसी अभी निकाली थी, 2 IM अपॉन पाई का होल स्क्वायर इंटू आर एल, पी ए सी इक्वल टू बी आर एम एस निकाला था, के फॉर्म फैक्टर इतना आता, रिपल फैक्टर इतना आता है, रिपल फैक्टर इतना आता है, इसके भाई इफिशियंसी इसकी 81 पर ए बढ़ गई, इसकी इफिशियंसी उसकी 41 थी, इसकी 81% हो गई है, किससे, उसके हाफ वेव रेक्टिफायर से, इसकी कितना पीक इनवर्स वोल्टेज, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमने सर्किल कर दिया है। सेंटर टेप रेक्टिफायर में 2 BS आता था, दो गुना, इसमें जो डायोड लगे होते थे बहुत
रेटिंग वाले लगाए जाते हैं वो कॉस्टली होते हैं, और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर भी जो है बहुत महंगा पड़ता है, उसकी सेटिंग भी बहुत मुश्किल होती है। इसलिए क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, जो हमारे मोबाइल में चार्जर होता है, मोबाइल चार्ज करने वाले एडॉप्टर, उसमें ब्रिज रेक्टिफायर ही लगा होता है। मेरे हिसाब से 95% जगहों पर ब्रिज रेक्टिफायर ही यूज होता है, क्लियर है। इसके बाद क्या होता है, 95% ब्रिज रेक्टिफायर ही यूज होता है, क्लियर है। और कोई दिक्कत किसी को, ये तो हो गया है। इसके बाद जो है आपका ये आ गया है, आपका वर्किंग हो गई है, ये वर्किंग हो गई है, ये वाले फॉर्मूला आ गए हैं। TUF और TUF क्या होता है, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है, ये 81% आता है, जबकि ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर उसमें कितना आ रहा था, 69% के आसपास आता था, ठीक ना, 69% आता था। किसमें आता था, ये सेंटर टेप रेक्टिफायर में, ठीक है। तो ये वाले डेरिवेशन जिसके सिलेबस में हो, तो हमारा एक वीडियो अलग होगा ब्रिज रेक्टिफायर और सेंटर टेप रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर के, ये जो है रेक्टिफायर के जो है एनालिसिस करेंगे, तो हर एक फॉर्मूला को हम ड्राइव करेंगे, तो डायरेक्ट लिखे हुए हैं, लेकिन एग्जाम में कंपटीशन में तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट लिखने को मिल जाएगा, आपको टिक लगाना होगा, लेकिन डेरिवेशन एग्जाम में आएगा तो इनको निकालना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू इतनी ही क्यों होती, कैसे निकालिए, IRMS BRMS PDC सब वैल्यू ड्राइव किए जाते इक्वेशन, तो उस वीडियो में मिलेगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू।